हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए स्टैंड बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टैंड है इसको कैसे बनाया जाता है तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये दोस्तों बिल्कुल पोर्टेबल है, फोल्डिंग है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और बड़े आसानी से इसको फिटिंग कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बने रहें इसी वीडियो में, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टैंड बनाया गया है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फोल्डिंग है। तो इसमें जो पाइप हमने लिए हैं वो 1 इंच बाय 1.25 इंच के लिए हैं। तो ये जो स्टैंड का टॉप लेवल में जो हमने क्लैंप बनाए हैं तो वो जो है 1 नेट का पट्टा से बनाए हैं, जिसको आप 1 इंच की पट्टी से भी बना सकते हैं होल करके। और इसमें जो है ये 1 इंच का क्लैंप बना है, एक तरह से सॉकेट इसको बोलते हैं। और 1.25 इंच में जो है 1 इंच को वेल्ड करके इस तरह से जो है आसानी से अंदर जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं ये अंदर चला गया। बात करेंगे इसका साइज़ की, तो दोस्तों ये जो है टोटल इसका 6 फीट हाइट है। तो 6 फीट को जो है हाफ़ करके 2 भाग में हमने कर दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये 2 भाग में इस तरह से जो है फिटिंग हो जाता है। ऊपर का जो पट्टा का आप बात करेंगे तो ऊपर का जो पट्टा है दोस्तों आपको इस तरह से होल कर लेना है और साइड से, और एक बीच में जो है पट्टा फिर लगा के क्लैंप बना के पीछे की जो पाइप लगा है उसको लगा लेना है। उसके बाद ये फ्रेम जो है दोस्तों आपको दिखाने के लिए हम बनाए हैं। ये पेंटिंग करने वालों के लिए अलग से बोर्ड रहता है, वो बोर्ड आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ये आपको जो हाइट में चाहिए वो हाइट में आप इस तरह से स्टॉपर लगा के वेल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने नट बोल्ट सिस्टम किए हैं, क्योंकि आप कहीं अगर घूमने जा रहे हैं, कहीं फील्ड में जा रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको गाड़ी में लेके जा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसको फिटिंग कैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो भाग है उसको आपको पहले नीचे कर लेना है, और फिर जो आपको दिखाए थे 1 इंच वाला जो क्लैंप जैसे बनाए हैं उसको इस तरह से जो है आपको फंसा लेना है। फंसाने के बाद जो है आपको साथ में पकड़ के खड़ा कर देना है। खड़ा हो जाने के बाद जो है धीरे धीरे जो है आप इस तरह से जो है आपको फैला लेना है। और ये जो है गिरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर स्टॉपर हमने लगाए हैं, इसका जो दूरी है बस वही दूरी में रहेगा। उसके बाद आपको जो बोर्ड रखना है उसको आपको लगा लेना है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पेंटिंग का जो डब्बा है वो ट्रे रखने के लिए है। तो दोस्तों, इसका नीचे का बेस का जो फ्रेम है वो 18 बाय 18 इंच का है, और इसको हमने 1 बाय 1 इंच का स्क्वायर में बनाया है। आप देख सकते हैं ऊपर में जो है ये, तो ये 10 बाय 10 इंच का है, ये भी 1 इंच का स्क्वायर में बनाया है। नीचे हमने सीट लगाए हैं और सीट में जो है 1.25 इंच का पाइप वेल्डिंग किए हैं। इसको भी हमने 2 पार्ट में बनाए हैं, फोल्डिंग बनाए हैं। आपको हाइट जो भी चाहिए उस तरह से एडजस्टिंग आप कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नीचे भी अगर चाहिए तो एक पाइप निकाल के आप फिर नीचे यहाँ पर जो आप जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे आप फिटिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रे आपको इस तरह से बना लेना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल AR वेल्डिंग की दुकान एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहें इसी तरह की फैब्रिकेशन की जानकारियां पाने के लिए। जो कुछ सुझाव देना हो कमेंट में ज़रूर दें।